आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में सांसें थामकर करोड़ों आंखें टीवी और मोबाइल स्क्रीन देख रही थी। टीवी चैनल्स में लाइव प्रसारण चल रहा था, न्यूज वेबसाइट्स पल पल का अपडेट दे रही थी, लेकिन यहाँ बात हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी क्रिकेट मैच या किसी वर्ल्ड कप के फाइनल की नहीं हो रही है। ये कहानी उस पल की है जब भारत इतिहास रचने वाला था। पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी देश का लैंडर पहुंचने वाला था। करीब 50 दिनों में 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान चांद को बस चूमने ही वाला था। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसी के साथ शुरू हो चुका था सांसें थाम देने वाला 15 मिनट का वो काउंटडाउन, जिसका एक एक पल एक एक सेकंड रोमांच से भरा था। सबकी निगाहें विशाल स्क्रीन पर टिकी थी, जिसमें विक्रम को लाइव देखा जा रहा था। लैंडर विक्रम का जब रफ ब्रेकिंग फेज शुरू हुआ, तब उसकी रफ्तार करीब 1680 मीटर प्रति सेकंड थी। 3 मिनट के भीतर ही रफ्तार घटकर 360 मीटर प्रति सेकंड रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबकी तरह बस विक्रम के लैंड होने का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे तय था। लैंडर चांद की सतह के एकदम करीब था। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। इसी बीच इसरो चीफ सिवन अपनी सीट से उठते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ते हैं, वो पीएम मोदी को कुछ बताते हैं और फिर से अपनी सीट की तरफ वापस लौट जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी माइक पर सिवन की आवाज गूंजती है, घोषणा ये कि लैंडर विक्रम जब चांद की सतह से करीब 2 किलोमीटर दूर था, तब ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क टूट गया। ये खबर सुनकर हर कोई हैरान था। इसरो चीफ की आंखें नम हुई तो पीएम मोदी ने भी भावुक क्षण में सिवन को गले से लगा लिया। हर कोई इस पल का साक्षी बना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा था कि उनके पुरुषार्थ से देश फिर खुशी मनाने लगेगा, और अब 4 साल बाद फिर से वो मौका आ गया है कि पिछली असफलता को पीछे छोड़ बुलंद हौसलों के साथ भारत चांद को छूने को बेताब है। चंद्रयान 3 चांद को चूमने को तैयार है। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने में अब कुछ ही समय बचा है। 14 जुलाई को भारत इतिहास रचने की पूरी तैयारी कर चुका है। LVM-3 लॉन्चर चंद्रयान 3 को लेकर चांद के दक्षिणी सतह की तरफ उड़ान भरेगा। चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने के साथ ही भारत के उस सपने को महज 4 साल के अंदर इसरो दोबारा पूरा करने को तैयार है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इंतजार तो बस उस एक पल का है। बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन है, जिसकी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की जाएगी। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही इसमें नए सॉफ्टवेयर्स अपडेट किए गए हैं। इसके एल्गोरिदम को ऐसे बदला गया है कि तय जगह पर दिक्कत आने पर भी चंद्रयान 3 दूसरी जगह पर उतारा जा सकेगा। इसरो का लक्ष्य चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग कराने का है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चांद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना है। इसमें लगे उपकरणों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी।